इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में पढ़े थे कि अगर दो आवेश होंगे तो उन पर फोर्स काम करेगा, मतलब एक दो बिंदु आवेश होंगे, बिंदु आवेश को लेकर के वहाँ पे क्रिया हुआ था। तो अगर एक मान लेते हैं कोई आवेश है, ठीक, अगर इसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश रखते हैं तो क्या होगा, तुरंत इस पर जो है अन्य आवेश रखने पर तुरंत इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू। लेकिन अगर हम क्या करते हैं इस आवेश को हटा लेते हैं तो क्या इस आवेश के पास कुछ है, कुछ नहीं, जब तक अन्य आवेश नहीं लेके आते, नहीं इसके पास है तभी तो अन्य आवेश लाने पर इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, वह क्या है, वही वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हम इसकी परिभाषा थोड़ी सी देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, कहेंगे कि जैसे उसमें आप पढ़े थे गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में मतलब बलों का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है कि जो है क्या कहेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वच है, किसी आवेश के चारों ओर का वच है जिसमें कोई अन्य आवेश रखने का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसी क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी सर इसका मान प्रतिक कितना होता है, इसका मान तो वैसे भी अनंत तक होता है, कंडीशन में अगर हम देखेंगे कि इस आवेश का मान कहाँ तक होगा तो अनंत तक ये क्रियाएँ होती हैं, ठीक अन्य आवेश रखते हैं। अब अगर देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा इसको कैसे देखते हैं, किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हमारा होगा, क्योंकि आवेश जो क्षेत्र हमारा दर्शाया जाएगा वह जब तक उसकी तीव्रता नहीं पता होगा तब तक हम नहीं दर्शा, यहाँ पे ये आवेश जो है इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, कोई प्रभाव होगा, ठीक उसको हम वैद्युत क्षेत्र, लेकिन वो प्रभाव कहाँ तक होगा इसकी माप हम किससे ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हैं और अगर हम देखा जाए तो हमारा जो है क्षेत्र कहाँ तक है, ये क्लास, ठीक क्लास तक है, क्लास के बाहर आप क्या करें हमारा कोई जो है प्रभाव या हमारा क्षेत्र वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन क्षेत्र जो हमारा है वह कैसे निकालते हैं, उसकी तीव्रता से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आगे अगली सीट पे बैठा है और कोई लास्ट वाली सीट पे बैठा है, तो हमारा प्रभाव जो पहले वाली सीट पर होगा ज़्यादा होगा, जो लास्ट वाली सीट पर होगा उसका प्रभाव हमारे पास उसकी तीव्रता इसकी इनकी अपेक्षा वहाँ पे क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो ये सारे कंडीशन। और एक चीज़ हम लोग इसके पहले पढ़े थे गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में, वहाँ पे हम लोग लिखे थे एक ऐसे फार्मूला I बराबर F अपान M, याद होगा ये आप लोग एकांक द्रव्यमान, ठीक है, लगने वाला फोर्स जो होगा वह गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या है, किसका, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ एकांक कंडीशन करके हम निकाले थे, एकांक का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रयोग करें जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए 30 केले का मूल्य जो है पत्र जो है 80 रुपये, ठीक, तो और एक और दिया गया है मतलब कुछ और अलग टाइप के केले हैं और एक अलग टाइप का है जिसका 40 केले का मूल्य है, मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक, या 90 रुपये मान के चलिए 90 रुपये। अब इसमें से इसकी तीव्रता आपको बतानी है कि कौन कितना, एक का, जब तक हम इन दोनों में से एक का नहीं निकालेंगे तब तक हम 30 और 40 में क्षेत्र को जानते रहेंगे लेकिन 30 और 40 में अंतर नहीं निकाल सकते। तो
तो हमको इसके पहले क्या करना होगा, एक का निकालना होगा, मतलब एकांक जो है क्रिया को हमको देखना होगा। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि वैकुंठ क्षेत्र की तीव्रता के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एकांक परीक्षण आवेश है, ठीक है, क्या कहेंगे, वैकुंठ क्षेत्र हो। अब वैकुंठ क्षेत्र जो एक चीज और इसमें पोजिशन आप देख लीजिए कि वैकुंठ क्षेत्र अगर ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे जो आवेश होते हैं उनकी जो रिंग उनका जो क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ निकल करती है, ये जो इनमें से वेव निकलती है एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि हम लोग काल्पनिक देख पाते हैं, तो ये जो इसमें से वेव निकलते पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ, अगर निगेटिव होगा तो वही क्या होगा अंदर की तरफ होगा। तो वैकुंठ क्षेत्र की तीव्रता अगर हम कहेंगे तो क्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर लगने वाले फोर्स की गणना करते हैं, क्योंकि फोर्स से ही शुरू हुआ है मात्र, तो फोर्स के लिए हम देखेंगे क्या हो जाएगा, E बराबर हम लिख लेंगे E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये यहाँ से समझेंगे क्या है, क्यू नॉट हमारा एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है कि जिसका कोई क्षेत्र अपना नहीं होता है, जो सबसे कह सकते हैं छोटा होता है, और एक कह सकते हैं कि अगर इसको वैकुंठ क्षेत्र के किसी अन्य बिंदु आवेश के पास ले जाते हैं तो ऐसा इस पर जो है जो फोर्स इस पर काम करे लगभग निगलेक्ट काम करे, बहुत थोड़ा सा, पता ना हो ऐसा तो होगा नहीं, नहीं काम करेगा, होगा कुछ लेकिन निगलेक्ट लगभग काम करे, तो उसी को क्या बोलते हैं परीक्षण आवेश, क्योंकि इसी के आधार पर हम क्या करते हैं इनकी तीव्रता की गणना करते हैं, हम एकांक लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो किसी क्या कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक। तो तीव्रता किस लिए निकालते हैं, क्योंकि हम उसके माध्यम से यह तय करते हैं कि हमारा जो है इस पर प्रभाव कितना है, वैद्युत क्षेत्र पर प्रभाव कितना है, ठीक। तो क्या होगा, एकांक इस वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब अगर इसका मात्रक देखेंगे, इसको प्रेजेंट किससे करते हैं, ई कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक हमारा हो जाएगा यह का मात्रक न्यूटन, और अपान क्या हो जाएगा कूलाम। बीमा अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमा लिखेंगे हो जाएगा यन, यन के लिए क्या लिखेंगे न्यूटन, न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं यम, यल की पावर माइनस टू अपान, और इसके लिए क्या लिखेंगे सी कूलाम के लिए ए पावर टू नहीं ए और टी, क्यों, क्योंकि आई बराबर क्यू और पार्टी होता है, उसी फार्मूले से निकालते हैं तो क्या हो गया ए टी। अब इसको एक साथ लिख लेंगे तो यम यल टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन, ये किसकी बीमा हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगले टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम परिणाम निकालना चाहें, उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो कैसे, कोई भी अगर बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश पर लगने वाला फोर्स अगर निकालना चाहे कैसे निकालना, किसी समय देख लेते हैं क्या होगा इसका मान हो जाएगा कि अगर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू दिया गया क्या हेडिंग आप लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण किसी अन्य बिंदु पर, या कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई एक आवेश जो के परावैद्युतांक क्षेत्र में रखा गया है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु बी है जिस पर आपको परीक्षण आवेश क्या रखा गया है क्यू नॉट रखा गया है, ठीक। तब इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से यह बराबर हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन
बीच की दूरी आर है और के परावर्तक कारक में रखा गया है, इनटू क्या हो जाएगा, के यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर किसी आवेश के क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पड़ चुकी है ई बराबर कितना होता है, यफ अपान इसके, यफ अपान क्यू नॉट, यफ का मान इससे ला करके रख देंगे, इसको समीकरण एक बना लेंगे, कूलम्ब के नियम से जो निकाले समीकरण एक आ जाएगा कितना, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, अपान पूरे का कितना हो जाएगा क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, बचा है अगर के बराबर मान लेते हैं वन है तो ई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ई बराबर हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा ई विक्रमानुपाती है वन अपान आर स्क्वायर, ये केवल बिंदु आवेश के लिए ये फार्मूला, क्षेत्र की तीव्रता निकाले, अगर सतत आवेश होगा तो उसके लिए फार्मूला काम नहीं करेगा। क्या होगा, ई जैसे जैसे ई का मान आर की अपेक्षा जैसे जैसे दूरी का वर्ग, मतलब दूरी का वर्ग बढ़ा क्या बढ़ता जाए वैसे वैसे ई का मान बढ़ता जाए, मतलब यहाँ पास वाला जो होगा उसकी तीव्रता हमारे साथ अधिक होगी और जो जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखे थे ये किस प्रकार की राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अदिश राशि है, ठीक सॉरी ये सदिश राशि है, कैसी राशि है सदिश राशि, इससे क्या स्पष्ट होगा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, किस प्रकार की राशि है सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है सदिश राशि। ठीक, यहां कौन सी हेडिंग होना चाहिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है, राशि है आपकी सदिश राशि। आगे हम देखेंगे सदिश राशि तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी, मतलब धन क्योंकि पॉजिटिव आवेश क्या करते हैं बाहर की तरफ, वर्ष यही वैद्युत क्षेत्र में देखेंगे बाहर की तरफ, तो इसमें जो क्षेत्र इसका होगा इसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अगर हम मान लेते हैं कोई निगेटिव चार्ज यहाँ पर, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज हो तब भी क्या होगा वही दिशा, मतलब पॉजिटिव सिरे से आने वाले जो है पॉजिटिव से निगेटिव सिरे इसकी तरफ, नहीं तो क्या होगा पॉजिटिव मतलब उसके बाहर की तरफ, अगर पॉजिटिव की तरफ होगा तो बाहर की तरफ, अन्यथा अगर निगेटिव टर्म होगा तो अंदर की तरफ, दिशा की तरफ की जिधर पॉजिटिव टर्म की जो पॉजिटिव टर्म का क्षेत्र होगा उधर इसकी क्या होगी दिशा होगी। अगर बहुत सारे आवेश जो है बिंदु आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देते हैं, अध्यारोपण सबके लिए क्या ई का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, ऐसे बारी बारी से पिछले वाले फार्मूले की सहायता से निकालेंगे और सबका सदिश योग, इन सदिशों का योग क्या हो जाएगा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, बहुत सारे आवेश होंगे तो प्रत्येक आवेश का अलग अलग मान निकाल करके ई वन ई टू ई थ्री का मान निकालेंगे जिस तरीके से अध्यारोपण के सिद्धांत में किए थे।